हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल DOTCOM में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग बात करेंगे GST की। यस फ्रेंड, 25th GST काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों से कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ GST, इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट से रिलेटेड, और आपके नॉलेज को इन्हेंस कर सकूँ। विद दिस वी विल स्टार्ट। सो 25th GST काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ, पहले ये जानते हैं ये मीटिंग हुई कब। ये मीटिंग हुई 18th of January 2018 को, जिसमें 29 आइटम्स और 53 सर्विसेज के रेट चेंजेस के बारे में डिस्कस किया गया। फ्रेंड्स, हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि इससे रिलेटेड जो प्रेस रिलीज आया है वो रिकमेंडेशन है, वो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यानी वो चीज़ जो है वो अभी तक एक्ट में शामिल नहीं की गई है, या एक्ट या रूल जीएसटी के एक्ट या रूल में शामिल नहीं की गई है। सो क्या है वो प्रेस रिलीज़, ये है वो प्रेस रिलीज़ जिसमें टोटल 6 पॉइंट है। चलिए पढ़ते हैं कि करके। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर लेट फी चार्ज होती है GST 1, GST 5 या GST 5A के केस में, तो वो होगी 50 रुपीज़ पर डे। यानी CGST और GST मिला के, यानी CGST 25, SGST 25, तो टोटल 50 रुपीज़। इस तरह से लेट फी चार्ज की, यानी GST 1 अगर लेट फाइल करते हैं तो 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज की जाएगी। सेम गोज़ विद GST 5 एंड सेम फॉर GST 5A। इन केस ऑफ नील रिटर्न, अगर आप नील रिटर्न भर रहे हैं GST 1 का या फिर GST 5 का या फिर GST 5A का, तो 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये भी वही रूल है, 20 रुपीज़ पर डे, यानी 10 रुपीज़ CGST, 10 रुपीज़ SGST, इस तरह से 20 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा फॉर्म GSTR 6, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का केस, वहाँ पर जो लेट फी है बताई गई है 50 रुपीज़ पर डे। फ्रेंड, जब भी ये आप पढ़ें प्रेस रिलीज, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, यानी ये सब रिकमेंडेशन है, हैव बीन मेड, रिकमेंडेशन यानी सुझाव, ये सब सुझाव है GST की काउंसिल की मीटिंग से निकले हैं। चलिए विद दिस अब हम लोग सेकेंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लिया था, वॉलंटरी बेसिस यानी आप पे लाइबिलिटी नहीं थी GST की रजिस्ट्रेशन की, फिर भी आपने अगर ली है, तो ऐसे केस में पहले ये रूल था कि आप 1 ईयर तक विड्रॉ नहीं कर सकते, पर अब काउंसिल का ये कहना है, GST काउंसिल का ये कहना है कि आप कर सकते हैं। टैक्सेबल पर्सन हु हैव ऑब्टेन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन विल नाउ बी परमिटेड टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो कैंसिल कर सकते हैं इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलिए पॉइंट 3 देखते हैं। पॉइंट 3 बात करता है माइग्रेटेड टैक्स पेयर। माइग्रेटेड टैक्स पेयर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अब प्रीवियस जो रिजीम था, अभी तो GST से पहले एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, CST था, तो अगर उसमें आप रजिस्टर्ड थे तो उसमें तो अलग था उसका थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन का, और GST में तो हम लोग जानते हैं स्लैब है 10 लाख 20 लाख क्रॉस होने पे हम लोग को रजिस्टर करवाना पड़ता है, ये है। सो अगर आप माइग्रेट हो गया, यानी आप पहले थे किसी और रिजीम में और क्योंकि आप वहाँ पर रजिस्टर्ड थे इसीलिए आपको GST में रजिस्टर्ड कर दिया गया, भला बिना ये देखे कि आप 10 लाख 20 लाख का जो भी लिमिट है वो क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो उन लोगों को माइग्रेटेड टैक्स पेयर कहा गया है। तो ये बताया गया है कि अगर आप माइग्रेटेड टैक्स पेयर हैं, यानी आप पुराने से इसमें आ चुके हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप वहाँ पर रजिस्टर्ड थे इसलिए यहाँ पर भी कर दिया गया आपको रजिस्टर्ड, तो माइग्रेटेड टैक्स पेयर के लिए द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म GST REG 29 फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस फ्रेंड कैंसिलेशन का बात कर रहा है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, 31st March 2018 तक का टाइम लिमिट है, वो लोग कैंसिल करवा सकते हैं। द फैसिलिटी फॉर जनरेशन, फ्रेंड्स ये बात कर रहा है 4th पॉइंट ई वे बिल की, ये कह रहा है कि ई वे बिल ट्रायल बेसिस पे चल रहा है अभी, वो भी ewaybill.nic.in वेबसाइट पर, और ये फुल्ली फ्रेश ऑपरेशनलाइज हो जाएगा कब, 1st फेब से, और वो कौन से पोर्टल पे, हमें किस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वो है ewaybill.gst.gov.in। जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियो ई वे बिल से रिलेटेड बताया था कि gst.gov.in में
ये ई वे बिल ऑपरेशनलाइज होगा। ई वे बिल की पहली वीडियो आप अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं उसका। और पॉइंट फाइव यही बता रहा है, 1 फरवरी 2018 से इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट गुड मूव करती है तो ई वे बिल जनरेशन मैंडेटरी हो जाएगा। और 1 जून 2018 से इंट्रा यानी विद इन द स्टेट गुड मूवमेंट होती है तो वहाँ पर ई वे बिल कंपलसरी हो जाएगा। और ये मैं बात कर रही हूँ ई वे बिल, अगर रूल आपको पता है तो उसमें पता होगा 50,000 का जो लिमिट है उस केसेस में। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन सबमिटेड बाय द कमिटी ऑन हैंडीक्राफ्ट वे आल्सो एक्सेप्टेड बाय द जीएसटी काउंसिल। तो टोटल लगभग यही प्रेस रिलीज दिया गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा बहुत सारे गुड्स में और सर्विसेज में चेंजेस की बात की गई है। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं कि गुड्स में और सर्विसेज में क्या रिकमेंडेशन मिला है चेंजेस से तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। इनफैक्ट उसमें 25 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो बात हुआ उसका भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि अरुण जेटली जी ने क्या बताया हमें कि वहाँ पर 25 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ, वो भी गुड्स से रिलेटेड चेंजेस भी और सर्विस से रिलेटेड चेंजेस भी जो रिकमेंडेटरी है, रिकमेंडेशन हुआ है जिसका, वो फ्रेंड ये मैंडेटरी नहीं हुआ है, सिर्फ रिकमेंडेशन है। सो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। विद दिस थैंक यू।